नमस्कार, देश और दुनिया की तमाम खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका जांगड़ आपके साथ। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस की ओर। अरुणाचल में भारत चीन की झड़प, सीमा विवाद को लेकर आमने सामने हुए दोनों देशों के सैनिक। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस का छठवां दिन, आर्यन को मिलेगी बेल या फिर जाएंगे जेल पर फैसला आज। लखीमपुर हिंसा के बाद प्रियंका राहुल मजबूर, प्रियंका पुलिस से भिड़ी, पीड़ितों को लगाया गले। ब्रिटिश सरकार ने बदला नियम, कोविशील्ड लगवाने वाले भारतीयों को 11 अक्टूबर से ब्रिटेन जाने पर क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। कश्मीर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई, अनंतनाग के मोंगहाल में नाका तोड़कर भाग रहा था संदिग्ध, सीआरपीएफ जवानों की फायरिंग में मौत। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। लद्दाख में ही नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में भी चीन अपनी हरकतों से अब बाज नहीं आ रहा है। अरुणाचल सेक्टर में पिछले हफ्ते भारतीय जवानों की चीन के सैनिकों से झड़प हो गई थी, तो वहीं सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है। इसके मुताबिक पेट्रोलिंग के दौरान सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हो गए थे और कुछ घंटों तक ये सिलसिला चला था। इसमें भारतीय जवानों को कोई नुकसान नहीं हुआ और प्रोटोकॉल के मुताबिक बातचीत से विवाद सुलझा लिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर चीन के 200 सैनिक तिब्बत की तरफ से भारतीय सीमा में घुस आए थे, जिन्हें भारतीय जवानों ने खदेड़ दिया। कुछ चीनी सैनिकों को हिरासत में लिए जाने की भी खबर है। हम आपको बताते हैं, लद्दाख में चीन की घुसपैठ और भारतीय जवानों से झड़प की खबरें आती रहती हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में झड़प की खबरें लंबे समय बाद आई है। इससे जाहिर है कि चीन ने अरुणाचल में फिर से अपनी गतिविधियां बढ़ा दी है। अभिनेता शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान को बेल मिलेगी या फिर उन्हें 14 दिनों तक जेल में ही रहना पड़ेगा, आज इसका फैसला हो सकता है। क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी करने के आरोप में फंसे आर्यन और कुछ अन्य आरोपी की जमानत याचिका पर दोपहर 12 बजे सुनवाई होनी है। आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने कोर्ट में 2 जमानत अर्जी दी है। 2 में से 1 अंतरिम जमानत की याचिका है ताकि आर्यन को तत्काल जमानत मिले और दूसरी रेगुलर बेल की, यानी जब तक इस केस की जांच हो तब तक ये जमानत पर रहे। उधर NDPC एक्ट के तहत NCB पहले ही रेगुलर बेल का विरोध कर चुकी है। अब इससे पहले अदालत ने 4 घंटे चली सुनवाई के बाद गुरुवार को आर्यन समेत सभी 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश सुनाया था। हालांकि जेल में शाम 6 बजे के बाद एंट्री नहीं होती है, इसलिए उन्हें पूरी रात NCB के लॉकअप में भी गुजारनी पड़ी है। यूपी की राजधानी लखनऊ से करीब 130 किलोमीटर दूर लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हिंसा हुई थी, जिसमें 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। दिन में घटनाक्रम हुआ रात 12 बजे। कांग्रेस महासचिव और पार्टी के यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी लखीमपुर के लिए निकल गई थी। वे लखनऊ पहुंची तो उन्हें पुलिस ने हाउस अरेस्ट करने की कोशिश की। उन्होंने पुलिस से अरेस्ट करने का कारण पूछा, पुलिस कोई जवाब नहीं दे सकी और प्रियंका लखीमपुर के लिए रवाना हो गई, लेकिन उन्हें सीतापुर के PSC गेस्ट हाउस में हिरासत में लिया गया है। 4 अक्टूबर को उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाते हुए नजर आ रही थी। इसके बाद 6 अक्टूबर को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों लखीमपुर में आने वाले पलिया गाँव पहुंचे और वहां उन्होंने 3 अक्टूबर को जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों से मुलाकात की। राहुल और प्रियंका के साथ पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री बनाए गए चरणजीत सिंह चन्नी और पिछड़ा वर्ग के एक जाति कुर्मी समाज से आने वाले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी थे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ये घोषणा भी की कि पंजाब सरकार हिंसा में मारे गए पत्रकार और किसानों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए देगी। अब ऐसी ही घोषणा छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने भी की है। भारत और ब्रिटेन के बीच क्वारंटाइन रूल्स को लेकर चल रही तनातनी खत्म होने की संभावना है। गुरुवार को भारत में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर ने कहा, भारत से ब्रिटेन जाने वाले लोगों को 11 अक्टूबर के बाद वहां क्वारंटाइन में नहीं रहना होगा। हालांकि इन लोगों को कोविशील्ड या किसी दूसरे ब्रांड से जिसे ब्रिटेन ने अप्रूव किया हो वैक्सीनेटेड होना जरूरी होगा। इससे पहले ब्रिटेन सरकार ने कहा था कि जो लोग भारत से ब्रिटेन आ रहे हैं और उन्होंने कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हों तभी भी उन्हें वैक्सीन लेने वालों की तरह 10 दिन क्वारंटाइन होना पड़ेगा और टेस्ट कराने होंगे। इस कदम की भारत में काफी आलोचना हुई थी। भारत ने भी इसके जवाब में ब्रिटेन ने आने वालों के लिए 10 दिन का क्वारंटाइन और कोरोना टेस्ट जरूर कर दिया था। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में गुरुवार को एक SUV में आतंकियों के सवार होने की आशंका पर CRPF जवानों की फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मोंगहाल इलाके में मोंगल ब्रिज पर CRPF की 40वीं वाहिनी के जवानों को नाका लगाया हुआ है। रात 9:45 बजे करीब नाके पर तैनात जवानों ने एक स्कॉर्पियो वाहन को आते देख रोकने का इशारा किया। वाहन चालक ने CRPF के जवानों के इशारे को नजरअंदाज कर दिया। नाके पर तैनात जवानों को लगा कि SUV में आतंकी है और उन्होंने गोली चला दी। इससे स्कॉर्पियो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। एक पुलिस अधिकारी ने व्यक्ति की मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि उसकी पहचान की जा रही है। फिलहाल के लिए देश और दुनिया की खबरों में इतना ही, और तमाम खबरों में बने रहने के लिए आप जुड़े रहिए मरुधर बुलेटिन के साथ। नमस्कार।